वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले भाई बहनों, कैसे हो आप सब? एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेरे क्लास 12th वाले भाई बहन हैं, वो तो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे दैट मैं आपकी सिमरन दीदी हूँ, बट जिनको अभी भी नहीं पता है, तो देखो मैं तुम्हारी सिमरन दीदी हूँ और मैं तुम्हें जो है क्लास 12th में टॉपर बनाने वाली हूँ। बस ये बात तुम ध्यान में रख लो, ठीक है? ये मेरा काम है। जब मैं खुद भी पढ़ती थी तो ऐसी पढ़ती थी कि भैया टॉपर बनने के लिए पढ़ना है, और तुम लोगों के लिए भी यही है कि देखो टॉपर बनाने के लिए तुम्हें मुझे पढ़ाना है और पढ़ने के तरीके बताने हैं। अब सबसे पहली बात याद करो, व्हेन जब आप क्लास 10th में थे, ठीक है, रिजल्ट आया था। आई होप बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया होगा, ठीक है, बट तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, याद करो, जिनका रिजल्ट इतना अच्छा उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया होगा। तब तो हम लोगों ने सोच लिया था कि यार 12th क्लास आने दो, 12th में दिखा देंगे सबको कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं और भैया टॉपर लिस्ट में नाम चाहिए। सोचा था या नहीं सोचा था? सारे क्लास 12th वाले बताओ, सबने सोचा होगा, है ना? अब जो है वो समय आ चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आए नो तुम्हें जो है तुमने अभी तक पढ़ना बिल्कुल ही शुरू नहीं करा होगा। बच्चों की शुरू में टेंडेंसी क्या रहती है? अरे बहुत टाइम है, देखो अगर तुम वेस्ट कर दोगे इस टाइम को तो बहुत मजे में कटेगा। इतना मतलब क्या है, मम्मी पापा फीस भरने हैं, ट्यूशन की, स्कूल की, स्कूटी मिली हुई है, मोबाइल मिला हुआ है, रिचार्ज मिला हुआ है, बातें करो दोस्तों से, पैसे उड़ाओ, बस बहुत बहुत बढ़िया कटे गया। ये टाइम वेस्ट करो, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होता रहेगा अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है? और वहीं पर गाइस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे अपने फ्यूचर के लिए और अपने पेरेंट्स को खुशी देने के लिए। तो आज तुम्हारा डिसीजन है, ठीक है? आज से जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे को जो है डेली बेसिस पर पढ़ाने बिठा दिया करूँ कि भाई जो तुम्हारा शाम का समय ट्यूशन के बाद का, ट्यूशन से पहले का तो मुझे नहीं पता भैया, ट्यूशन से पहले तो मुझे खाना खा के सो गए, पढ़ाई करी नहीं करी आई डोंट नो। जिस समय तुम ट्यूशन से घर आते हो 7 बजे शाम के या शाम के 8 बज रहे हो, उसके बाद से मेरी ड्यूटी है भैया तुम्हें पढ़ने बैठा देना है। और अगर तुम पढ़ने बैठ गए ना, चाहे 2 घंटे पढ़ो दिन के, चाहे 3 घंटे पढ़ो, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ये गारंटी से कह रही हूँ, ठीक है? तो आज से ये तुम्हारी सिमरन दीदी की ड्यूटी है कि तुम्हें पढ़ने बैठाना है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ने की हैबिट लगानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पढ़ने की हैबिट नहीं होती है, ठीक है? शुरू शुरू में नहीं होती, एंड में तो तुम्हें क्या था डेडलाइन आ जाती है, ठीक है भैया पेपर है, पेपर से आने वाले, प्री बोर्ड की डेट आ गई, यूनिट टेस्ट की डेट आ गई, 4-5 दिन पढ़ लो भाई। वो 4-5 दिन पढ़ के आखिरी में पढ़ के हम पेपर देके टॉपर नहीं बन सकते। हम टॉपर कब बनेंगे? जब अभी शुरू से पढ़ेंगे। कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर पढ़ने की, बस वो सुपर पावर तुम एक्टिवेट कब करते हो? जब डेट शीट तुम्हारे हाथ में आती है तब। तो उस सुपर पावर को अपनी, जो तुम इतना बढ़िया से पढ़ते हो, उसे आज से हमें एक्टिवेट करना है। और अभी भी हाई टाइम हो ही चुका है, अप्रैल पूरा निकल चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ, सारे क्लास 12th वाले भाई बहन, पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स के हो आप, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, ठीक है? तो मुझे सब बताओ तुम्हारे यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट है, मिल चुकी होगी डेट, वरना स्कूल में बात होती रहती है, टीचर्स बताते रहते हैं बेटा पहले यूनिट टेस्ट तब होगा, पहले यूनिट टेस्ट तब होगा। तो जल्दी मुझे पहले यूनिट टेस्ट की डेट बताओ और कितने चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं, सब बताओ। इवन साइंस वाले, आपके मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स, बीएसटी में, इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले तुम्हारा तो मुझे पता ही होता है, रटा हुआ सारे में से कौन सा आएगा, ठीक है? तो जो है इंग्लिश का बताओ, ठीक है, इंग्लिश तो हम वैसे जल्दी से सारी कंप्लीट कर लेंगे, बट स्टिल बताओ कितने चैप्टर्स आने, मुझे बताओ। और एक पेपर लो और उस पर लिखो जी मेरे इतने 2 चैप्टर आने, लगभग 2 ही चैप्टर आते हैं आई थिंक सो, इतने और ज्यादा तो आ नहीं सकते, 2 आएंगे, 3 आएंगे, लेंथी सब्जेक्ट्स में 2 आएंगे, जो जैसे इंग्लिश में 4 भी आ सकते हैं, तो जितने आपके आ रहे हैं, जैसे काफी सब्जेक्ट्स में 4 आ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स के 2-3 आ सकते हैं, पॉलिटिकल वालों के 3-3, 4-4 आ रहे होंगे, बाकी स्ट्रीम्स वाले तुम्हारी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे तो बताओ ना तुम, तभी तुम्हें समझ में आएगा। बताओ कितने चैप्टर आने, लिखो उसे पेपर पर, यूनिट टेस्ट का स्टडी जीपीएस बनाओ, अपना प्रॉपर स्टडी जीपीएस बनाओ अपने यूनिट टेस्ट का। तुम कह रहे हो दीदी हमें नहीं पता ये स्टडी जीपीएस कौन सी, नहीं आप कहानी बता रही हो, तो वो मैं तुम्हें अब ये सीरीज में बताने वाली हूँ, क्या कि कैसे तुम्हें पढ़ने बैठना है डेली बेसिस पे, कैसे तुम्हें पढ़ना है, बिकॉज आई नो तुम नहीं पढ़ रहे हो अभी, बहुत सारे बच्चे कुछ पढ़ रहे होंगे डेली बेसिस पे और बहुत सारे ऐसे जो नहीं पढ़े, तो मेरा काम है उन्हें पढ़ने बैठाना जो नहीं पढ़ रहे थे। तुम्हें क्या है, इतने इतने स्कूल में तुम्हारे अलग चैप्टर चल रहा होगा, कोचिंग में तुम्हारे अलग चैप्टर चल रहा होगा, और दिन पर दिन अभी जो तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, वो अगले महीने से, मई से जून में टेंशन इंक्रीज होगी कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो आई डोंट वांट कि तुम्हारी लाइफ में ये टेंशन, और तुम भी नहीं चाहोगे। तो भैया अप्रैल 25 दिन निकल चुके हैं, ठीक है, अब मई शुरू होने वाला है, ठीक है, मई आपका बिल्कुल स्टार्ट होगा। तो अभी से ही आपको क्या करना है, इस साल का अपना टारगेट बना लो, जो टारगेट ना स्टार्टिंग में 12 जब आप जैसी 12वीं में आते हो तो 12-15 दिन शुरू में हमारे में बहुत जोश रहता है, हाँ नंबर लाने हैं, पढ़ना है, स्कूल से आके घर पे थोड़ा बहुत बुक्स देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, बट धीरे धीरे फिर वही फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर हम उसी अपने पुराने वाले ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। अब भैया ठीक है 11th में कर ली होगी मस्ती, कोई बात नहीं, 10th में ठीक है जी आपने सोचा होगा कि हाँ दोबारा नंबर लाऊंगा, भूल गए थे उस बात को, कोई बात नहीं, बट ये 12th भूलने का साल नहीं है, इसके बाद हमें अगला मौका नहीं मिलेगा अपने पेरेंट्स को खुशी देने का, जो उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है नर्सरी से लेकर आज तक, से स्कूल की फीस नहीं, एवरीथिंग दे आर डूइंग फॉर अस। तो भैया पे बैक करने का टाइम, चाहे तुम बहुत अमीर भी हो ना, करोड़पति भी हो ना तुम, तो भी पढ़ो, ठीक है, तुम्हारा तो बिजनेस सेट है भैया, जैसी तुम्हारी ये जो है
कंप्लीट होगा। लड़कियों का दीदी हाँ पापा कुछ बढ़िया सा बिजनेस सेट कर देंगे, हमारी तो बुटीक खुल जाएगा, हमारी तो बेकरी खुल जाएगी, नहीं मैं तो बढ़िया आराम से मेरा एडमिशन हो जाएगा बढ़िया कॉलेज में, मैं तैयारी अच्छे से कर रही हूँ, ये वो। लड़के हैं दीदी हमारी तो शॉप है बहुत करोड़पति हम, कोई बात नहीं। अरे तुम करोड़पति हो तो भी पढ़ो, तब भी जब तुम्हारी अच्छी परसेंटेज आपके पापा देखेंगे मम्मी देखेंगे ना तो उनकी खुशी नेक्स्ट लेवल होगी। और हर बच्चे को पढ़ना है ठीक है, अपने लिए पढ़ना है तुम्हारे को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना है, जो वो नंबर टॉपर इवन तो आपको पता है भैया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू आपको कॉलेजेस में एडमिशन होगा डन, बट स्टिल ये जो आपकी ट्वेल्थ की परसेंटेज है ये लाइफ टाइम तुम्हारे साथ जाएगी। और जब अब नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे पढ़ पाओगे, तो ये पढ़ने की हैबिट डालनी शुरू करो डेली बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ CUET के, हमारे जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है ये ह्यूमैनिटीज वाले मेरे भाई बहन सोच लो बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए CUET के लिए हमें पढ़ना है, क्या है आधे से ज्यादा मैं ह्यूमैनिटीज वालों को कहूँ CUET में तुम्हारी सारी NCERT आ रही है। अब आज के समय पे मुझे मेरे सारे भाई बहन जो आपके आपके सीनियर्स वाले हैं वो सब वही चीज़ों को रिपीट करके यही चैनल से आके उन्हीं वीडियोज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चलोगे स्पेशली CUET की, अगर आपको आगे रेफर करना है उसको, तो भैया यही पढ़ो, यही तो आना है CUET के अंदर। और बाकी जो भाई बहन है मेरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें तो स्टडी हैबिट आती ही है, और अगर तुम जो है थोड़ा स्लो हो रहे थे या डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे तो अपने एम को याद कर लो कि वो जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वो है तुम्हारा एम, और उससे तुम्हें भटकना नहीं है। अब पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मैं बता रही हूँ हम ना सिलेबस को डिवाइड करते हुए चलेंगे ठीक है, ये नहीं सोचना है सीधा हाफ ईयरली तक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो या फाइनल तक के। बात करते हैं यूनिट टेस्ट की, यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर आने, एक स्टडी GPS बनाओ, एक ऐसी A4 साइज शीट लेकर आ जाओ अपने पास में और उस पर स्टडी GPS बनाओ। आई विल अपलोड जो है एक वीडियो बनाऊंगी अपने वो डिजिटल बोर्ड पे, उसमें पूरा दिखाऊंगी तुम्हारे को कैसे स्टडी GPS बनता है किसी भी स्ट्रीम के, स्टडी GPS बनाना है यूनिट टेस्ट तक का। यूनिट टेस्ट तक का स्टडी GPS बना के पेपर लगा लेना अपने यही ऐसा स्टडी जोन जो भी तुम्हारा होगा वहाँ पे, तुम्हें डेली बेसिस पे स्टडी GPS में जितने चैप्टर लिखे उन्हें कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के लिए मत सोचो कि तुम पढ़ने बैठोगे और कोई दिक्कत नहीं आने की, नहीं भैया यही लाइफ है, तुम पढ़ने बैठोगे उस दिन घर में कोई बात हो जाएगी, तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार उस दोस्त से बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट, तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा मूड ऑफ होने लगेगा, ओवर थिंकिंग होगी मेरा क्या ही होगा इस दुनिया में, मेरा है कौन, ऐसी ऐसी बातें आना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की तो वो एक और बेस्ट फ्रेंड बन गई है, वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर है तो पूछो ही मत तुम्हारे क्या हाल होंगे जब तुम पढ़ने बैठोगे ठीक है। तो भाई अब ये सारी प्रॉब्लम तुम खुद कुछ खुद क्रिएट करते हो, खुद अपने आप आ जाती हैं, अगर इन सब प्रॉब्लम्स को हटा दिया तो तुम टॉपर बन जाओगे ठीक है। सबके साथ प्रॉब्लम होती है, बस इन प्रॉब्लम्स को डील करना हमें सीखना पड़ेगा। तो वो ये जो हमारे इंटरेक्शन सेशन होंगे जिनमें सिमरन टॉक कह देती हूँ, नाइटल टॉक कह देती हूँ, उसमें ये सब प्रॉब्लम को भगाने का तरीका मैं बता दूंगी। और ऐसी रोज जब 10 मिनट ऐसे हम लोग बात कर लिया करेंगे ना तो प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी ठीक है। जब भी तुम्हें कुछ फील हो रहा हो, तुम ट्वेल्थ में हो, आई नो तुम्हारे पे बहुत प्रेशर होगा, आधा प्रेशर तो मैं क्रिएट करूंगी रोज, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो नंबर लाने पढ़ लो ठीक है, तो ये प्रेशर होगा ठीक है। अब मैं तो गुड वे में प्रेशर क्रिएट करूँ कि भैया नंबर लाने मुझे चाहिए, मेरे भाई बहनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाए। अब कुछ नेगेटिव प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है, तुम डर जाओ कंपैरिजन करो, जब भी कुछ ऐसा फील हो ये चैनल इसका कमेंट सेक्शन है बता देना, बस बोल देना और भूल जाना बात को। तुम्हारे सीनियर्स जो है पिछले 5 सालों से ये हमारा सेशन रहता है ना उसमें जो दिक्कत आती है आके बता देते थे ठीक है, दीदी परेशान हो रहे हैं पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, कोई टेंशन हो रही है, कोई भी बात हो, ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं दीदी हाँ नहीं बता रही सबके सामने, DM कर देना जी ठीक है, बता देना क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ पा रही, कोई फैमिली इशू है, मन नहीं लग रहा तुम्हारा पढ़ने में, जो भी तुम्हें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है ना बता दो यहाँ पे ठीक है। हम सारे भाई बहन है आपस में, मैं कर दूँगी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व, वरना वो तुम्हारे भाई आ जाएंगे तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, और मेरी बहन है कि भैया नहीं टेंशन नहीं लेनी है पढ़ना है ठीक है जी। तो प्रॉब्लम आएंगी उन्हें हटाना है, पूरा ध्यान रखो यार मुझे पढ़ना है, ये यूनिट टेस्ट के जो चैप्टर है मुझे इन्हें कंप्लीट करने, लिखो पेपर पर क्या चैप्टर है, फिर एक टाइम टेबल बनाएंगे हम। अब मई शुरू होगा, मैं मई का अलग टाइम टेबल दूंगी तुम्हारे को, प्रॉपर अलग टाइम टेबल आएगा आपका मई का, जिसमें मई में मैं कम से कम आपको 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम निकालना सिखाऊंगी। अब हम अर्ली बर्ड और नाइट ऑल जोन एक्टिव कर देंगे मई में आते ही। अप्रैल में मैंने जो टाइम टेबल दिया था उसमें मैंने कोई नहीं बताया कि नाइट ऑल बनो या अर्ली बर्ड बनो, अब भैया टाइम आ गया नाइट ऑल और अर्ली बर्ड जोन में भी एक्टिव होने का, कि भैया हम तो रात को 11:30-11:30 तक 12 तक पढ़ेंगे और सुबह स्कूल चले जाएंगे। मेहनत करने का ये साल है, जितनी मेहनत इस साल में करोगे तुम ट्वेल्थ के लिए करो और कॉम्पिटेटिव की तैयारी भी साथ साथ में करो, ये साल जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया फल आपको मिलेगा, ये मत सोचना कोई तुम्हें अगर कह रहा हो तो कि ट्वेल्थ में पढ़ के फायदा नहीं होता, बहुत फायदा होता है ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता अगर तुम ट्वेल्थ में मेहनत कर लोगे तो, कोई नुकसान नहीं होगा आपका फायदा ही फायदा होगा ठीक है। दूसरी चीज़, अब अर्ली बर्ड जोन में एक्टिव हो जाओगे भैया स्कूल जाने से पहले, भैया 5 बजे उठ गए ठीक है, 7 बजे का स्कूल है उठकर, वो बहुत बढ़िया टाइम होता है, आप सुबह पढ़ो नाइट ऑल हो, रात को कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है रात को पढ़ो, दोनों में एक्टिव हो जाएंगे, टाइम टेबल तुम्हें पर्सनलाइज मिल जाएगा। प्लस हम बनाएंगे अपनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब करना है सिलेबस पे अटैक, तो आपकी मई की स्ट्रैटेजी आएगी क्लास ट्वेल्थ की सभी स्ट्रीम्स की, सबको बताऊंगी कैसे सब्जेक्ट्स को टैकल करते हुए कंप्लीट करना है, और डेली बेसिस के चैलेंजेस आएंगे ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, और साथ के साथ पढ़ा भी रही हूँ मैंने अभी तक आपके लगभग, मान लो आप लोगों का ह्यूमैनिटी स्टूडेंट सुन लो, हिस्ट्री चैप्टर पढ़ाने शुरू करवा दिए हैं, मैं 3rd चैप्टर पे पहुंच चुकी हूँ, खुद से मैंने 1st चैप्टर अपलोड कर दिया है, 3rd चैप्टर तक मैंने बना लिया, वीडियो आ जाएगी आप देख लेना।
सारे के सारे वो बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के पास भी इकोनॉमिक्स होती है. व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी, बट मेरे पास इकोनॉमिक्स थी एंड मेरे 96 आए थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है. और जो मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन जिनके पास इकोनॉमिक्स है, मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी है. नेशनल इनकम मैंने अपलोड कर दिया है, आज नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट अपलोड होगा जिसमें हम कैलकुलेट करना जो है मेथड्स जो होते हैं ना नेशनल इनकम के वो सीखने वाले हैं. कल मैंने करा था रिलेटेड एग्रीगेट्स अपलोड, जहाँ मैंने आपको बहुत ही बढ़िया से एक ट्रिक सिखाई थी जिससे आप रिलेटेड एग्रीगेट्स को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है. और साथ ही के साथ में उससे एक दिन पहले मैं नेशनल इनकम का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा दिया है. मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है कि आपको जो है चीजों को रट्टाना मारना पड़े, समझना ना पड़े, ऐसा ना लगे कि तुम्हें डिफिकल्ट है, ठीक है. जैसे मैं खुद समझती थी ना व्हेन आई वाज इन क्लास 12, बिल्कुल वैसे ही समझाती हूँ. जो खुद दिक्कत मुझे फील होती थी वो दिक्कत आपकी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ. तो नहीं देखिए अभी तक मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियोस तो जाके देख लेना, ठीक है. और साथ ही के साथ में जो बाकी स्टूडेंट्स है पीसीएम पीसीबी वाले, तो तुम्हारे लिए मेरे चैनल पर इंग्लिश की अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज चल रही है. इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट तो है ही मेरी, मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने स्टार्ट करवा दिया. ओके, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे जो है आई टैग चेक करो, वहाँ मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगा दिया क्लास 12 की, ठीक है. और एक वीडियो लगाई है जिसमें बताया 12th की इंग्लिश आपको कैसे पढ़नी है, वो भी सिर्फ वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे पढ़नी है. जो इंग्लिश आपको कितनी देर पढ़नी है सब इसमें गिवन है, 10 मिनट की वीडियो है, जाके देख लो, ठीक है. आप जिस भी स्ट्रीम के हो सैटरडे संडे भी अगर आप 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ ली है वो प्लेलिस्ट गिवन है, इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी 1 महीने के अंदर, ठीक है. 1 महीना तो बहुत ज्यादा कह रही हूं मैं, तरीके से पढ़ ली है तो समझ लो आपकी और भी जल्दी कंप्लीट हो सकती है. सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ के ही 2-2 दिन पढ़ के ही हो जाएगी कंप्लीट आपकी, डन, ठीक है. तो अब भाई क्या करना है आपको, मई की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे. अभी भी मई स्टार्ट होने में 5 से 6 दिन है, अपना पूरा माइंडसेट गाइस रेडी कर लो कि अब ठीक है भैया 20 दिन मैंने अपनी नई क्लास को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इंजॉय कर लिया, नए नए दोस्त बन गए मेरे, ट्यूशन सेटल हो गई, मेरी मैम को जान चुके हैं, सर को जान चुके हैं, हाँ ये मेरे मैम सर हैं. अभी नए नए हमारे टीचर्स, न्यू न्यू सब्जेक्ट्स टीचर्स आते हैं उन सबसे मिले, वैसे तो 11th वाले कई रिपीट होते हैं, ठीक है. ट्यूशन नया लगाया होगा, अब सब कंफर्टेबल हो चुके हो, सेटल हो चुके हो. अब समय आ चुका है कि वो जो किताबें खरीदी हैं, जो आपका पूरा सिलेबस है उस पर अटैक करना है. तो जब तक आप माइंडसेट नहीं बनाओगे ना, जब तक आपको लगेगा आप शाम को घर आए थोड़ा बहुत पढ़ा, आपको लगेगा ठीक है बहुत समय पढ़ लूंगा, तब तक ये पूरा समय निकल जाएगा. और आप नवंबर दिसंबर में आके कहोगे दीदी बहुत डर लग रहा है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, अब ऐसा लग रहा है कैसे आएंगे नंबर, ठीक है. तो अभी थोड़ा खुद को रियलाइज कराना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, कर ली मस्ती, बहुत हो गया, बढ़िया हो गया, पूरी लाइफ हमने देख ली, ऐसी हमारी क्लास 12th रहने वाली है 20-25 दिन को. मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, ये 20-25 दिन हम सेटल होते हैं. अब सेटल डाउन आप हो चुके हो क्लासेस के अंदर, अब सिलेबस पर अटैक करने का मूड अपना स्टार्ट कर लेना है. और आज से जो है मेरे चैनल को जाकर सभी स्टूडेंट चेक करना रोज डेली बेसिस पे, एक दिन आगे जरूर, मतलब एक दिन में एक बार जरूर तुम्हें चैनल को चेक करना है, ठीक है. क्योंकि आप लोगों के लिए अगर आप 12th में हो तो इंग्लिश की, फिजिकल एजुकेशन की और ह्यूमैनिटीज की, तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो रोज आएगी. रोज कोई चैप्टर मैं क्लास 12th का पढ़ा रही होंगी, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे और लाइव टेस्ट सेशंस भी. तो उसके लिए पहले खुद पढ़ोगे तभी तो टेस्ट लूंगी, तो पढ़ना शुरू कर दो जल्दी से, ठीक है. टाइम टेबल बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बट वो आगे आने वाली वीडियोस में. आज मैंने आपको एक टास्क दिया है कि आपको अपना स्टडी जीपीएस रेडी करना है. स्टडी जीपीएस रेडी करना सिखा दूंगी अलग वीडियो में, वरना बहुत आसान होता है. आपको अपना चैप्टर लिखने हैं सारे के सारे जो यूनिट टेस्ट में आते हैं, ठीक है. डिटेल वीडियो कल बनाऊंगी, उसमें देख लेना, कल बना लेना कोई बात नहीं प्रॉपर, क्योंकि कल तो अभी सैटरडे संडे आने वाला है, चलो तब बना लेना. अभी टास्क आपका है स्टडी जीपीएस क्रिएट करना है आपको अपना, किसका, यूनिट टेस्ट के सभी चैप्टरों का. पूछ लो टीचर्स से अपने, पक्का पता लगा लो क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं आपके यूनिट टेस्ट में, क्योंकि 15 मई तक हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने कर देंगे, कोशिश वोशिश नहीं करने हैं जी, कंप्लीट प्रॉमिस कर दो दीदी. आज से पढ़ाई शुरू है, आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं. उठाओ किताब, निकालो फर्स्ट चैप्टर, पढ़ना शुरू कर दो किसी भी सब्जेक्ट का और आ गए तुम स्टडी जोन के अंदर, ठीक है. पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ना स्टार्ट करना, निकालो अपनी बुक फर्स्ट चैप्टर. अरे फर्स्ट पढ़ पढ़ के थक चुके वाले दीदी, 4-5 बार रीड कर लिया नहीं समझ में आ रहा, सेकंड चैप्टर पे आ जाओ, बुक लेकर आओ, पेंसिल लेकर आओ, पेपर लेकर आओ, लिखो साथ में, पढ़ना शुरू कर दो गाइस. जो है पिछले हमने देख लिया ना 20-25 दिन जैसे निकल गया निकल गए, अब हमने माइंडसेट बना लिया आज से पढ़ना है. पक्का प्रॉमिस कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, दीदी पक्का प्रॉमिस आज से पढ़ाई स्टार्ट है. तो अब तुम्हारी दीदी तुम्हें डेली बेसिस पे जो है हम इंटरेक्ट करते रहेंगे, सिमरन टॉक सेशंस, नाइट टॉक सेशंस और सैटरडे सैटरडे नाइट सेलिब्रेट करेंगे और सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचा देंगे हम विद इन 3-4 मंथ्स, ठीक है. 3 से 4 महीने का टारगेट रहेगा सिलेबस जुपिटर पे पहुंचाना. जुपिटर पे पहुंचाने का मतलब होता है कंप्लीट ऐसा हो चुका हो 2 रिवीजन के साथ में, ये है जुपिटर पे पहुंचाने का मतलब. सो आर यू रेडी, तो हाँ रेडी हो जाओ, बिल्कुल यस में जवाब देना है. मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट.